नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल SMKG में। रिलायंस कम्युनिकेशन जो कि एन एल एम बने कंपनी है, इस कंपनी के शेयर में अभी क्या करना चाहिए, रिलायंस कम्युनिकेशन क्या यहाँ से एक रिटर्न बना सकता है। अगर आप देखते हैं एन एल एम बने की कंपनी जो रिलायंस पावर का जो Q4 2024 का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपनी ने शेयर किया है, कुछ खास जो है इसका प्रॉफिट वगैरह देखने को नहीं मिला है। तो क्या रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर अभी तेजी बना सकता है? देखिए मार्केट का भी देखते हैं, शेयर मार्केट का जहाँ पे बोल सकते हैं कि निफ्टी 50 जो है आप देख सकते हैं जहाँ पे तेजी बना रहा है, निफ्टी बैंक यहाँ पे तेजी बना रहा है अभी दोस्तों। मतलब शेयर मार्केट में देखेंगे तो कुछ मतलब जो एफआईज के ओर से बहुत सारे स्टेज जो है सेल किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे शेयर जो है 944.8 करोड़ का जो शेयर्स यहाँ पे सेल किया गया है एक ही दिन में। तो इसके चलते अगर देख सकते हैं मतलब बहुत सारे ऐसे शेयर्स है जहाँ पे तेजी भी बना है, बहुत सारे शेयर्स है जहाँ पे थोड़ा बहुत शेयर का प्राइस जो है रिड्यूस भी हुआ है। दोस्तों मार्केट में अभी क्या करना चाहिए, शेयर मार्केट में अभी मतलब कौन सा शेयर्स है जहाँ पे हम लोग खरीदारी कर सकते हैं या फिर कहाँ पे कौन सा मतलब शेयर्स को लेकर क्या चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज हम लोग बनाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन को लेकर बात करने वाले हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन को कल लेके देखेंगे तो रिलायंस कम्युनिकेशन एन एल एम अंबानी की कंपनी जो कि जहाँ पे बहुत सारे लोगों का मानना है कि रिलायंस कम्युनिकेशन को जैसे ही मुकेश अंबानी खरीद देगा तो हो सकता है कि उसके बाद एक आगे जाके तेजी। रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर का प्राइस अगर देखिए दोस्तों कुछ दिन में एक जबरदस्त तेजी इसने दिया है। रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर का प्राइस भी लगभग 1.70 पैसे के आसपास चल रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर को लेकर क्या चल रहा है, रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर में क्या ये शेयर यहाँ से रिटर्न दे सकता है, कैसा है रिलायंस कम्युनिकेशन का कंपनी। रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों वीडियो पे पूरा बने रहिए, कृपया स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल SMKG को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात। रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर देखिए अभी रिलायंस कम्युनिकेशन में अगर देखेंगे तो मार्केट में जो चल रहा है कि मुकेश अंबानी, जैसे कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि मुकेश अंबानी जो रिलायंस कम्युनिकेशन के जो भी एसेट्स है वो खरीदे गए तो शेयर जो है बहुत ज़बरदस्त तेजी बना सकता है। तो अभी यहाँ पे शेयर का प्राइस दोस्तों 1.70 पैसे के आसपास चल रहा है और यहाँ पे देखेंगे वन मंथ में जो है रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर आप देख सकते हैं जो एक लो प्राइस बनाया है जो कि 1.45 पैसे का है और जो वन मंथ का हाई प्राइस दिया है 1.75 पैसे का। वही दोस्तों बात करते हैं एक दिन में रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर में जो लो प्राइस बना है जो कि 1.70 पैसे का है और जो हाई प्राइस बना है 1.75 पैसे का। दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन का यहाँ पे देख सकते हैं जो वो इसका जो क्वालिटी है जो कि देख सकते हैं जो कि 36 है आउट ऑफ 100 एंड जो वैल्यूएशन है 12 है आउट ऑफ 100। टेक्निकली जो है यहाँ पे शेयर एक न्यूट्रल लेवल बनाता हुआ देखने को मिल रहा है जो कि टेक्निकली जो 48 है आउट ऑफ 100। तो टेक्निकली अभी रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर जो है एक न्यूट्रल लेवल यहाँ पे जो यहाँ पे चल रहा है। दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन का जो मतलब एक हफ्ते में अगर देखते हैं तो 3.03% के आसपास जो इसने रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर ने रिटर्न दिया है। प्रीवियस डे का जो क्लोज प्राइस था रिलायंस कम्युनिकेशन का जो कि 1.70 पैसा था तो 1.70 पैसे में शेयर अभी ट्रेड हो रहा है, 1.70 पैसे में शेयर अभी चल रहा है। वॉल्यूम देखिए रिलायंस कम्युनिकेशन का दोस्तों 65.84 लाख का जो इसका वॉल्यूम है। 52 का जो लो प्राइस बनाया है रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर ने जो कि 1 रुपीज का है और 52 का जो हाई प्राइस बनाया 2.30 पैसे का है। दोस्तों तो क्या रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर मतलब कंपनी यहाँ पे कैसा कर रहा है रिलायंस कम्युनिकेशन का? दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन का दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कंपनी को लेकर जहाँ पे कंपनी का जो आरओई है, आरओई यहाँ पे ज़बरदस्त जो है रिड्यूस हुआ है जो कि आप देख सकते हैं 1734.40 रिलायंस कम्युनिकेशन का 17,345.8% रिड्यूस हुआ है। एंड जो बात करते हैं इसका जो आरओए है रिलायंस कम्युनिकेशन का 181.4% रिड्यूस हुआ है। तो कंपनी का अभी देखिए रिलायंस कम्युनिकेशन का बोल सकते कि मतलब फंडामेंटली अगर देखते हैं तो फंडामेंटली रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन का बोल सकते कि यहाँ पे देखिए जो Q3 2024 का जो रिलायंस कम्युनिकेशन ने इसका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर किया है जहाँ पे कंपनी का आप देख सकते हैं जो नेट इनकम है 94.3% डाउन हुआ है। दोस्तों रेवेन्यू की बात करते हैं Q3 2024 का 3.1% इसका रेवेन्यू डाउन हुआ है। ऑपरेटिंग इनकम की बात करते हैं ऑपरेटिंग इनकम 110% जो है इंक्रीज हुआ है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन में अभी देखते हैं दोस्तों जो बोलते हैं कि जो शेयर होल्डिंग है रिलायंस कम्युनिकेशन का, देखिए प्रोमोटर्स जो है प्रोमोटर्स के पास 1.85% का स्टेक है, FIS के पास 0.11% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 0.01% का स्टेक है, पब्लिक के पास 92.84% का स्टेक है और अदर्स के पास 4.41% का स्टेक है। दोस्तों टेक्निकली रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर जो है एक न्यूट्रल लेवल पे चल रहा है, टेक्निकली जो है ये शेयर एक न्यूट्रल लेवल बनाता हुआ देखने को मिल रहा है रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर। दोस्तों तो फिलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस जो है रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर में नहीं रखना चाहिए दोस्तों, हमें ऐसा लगता है। अभी कंपनी का रिलायंस कम्युनिकेशन का
फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, स्टॉक जो है विद कंसिस्टेंट रेज इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, थोड़ा बहुत इसका जैसे कि नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है एंड कंसिस्टेंट जो है इंक्रीजिंग लेवरेज, स्टॉक प्राइस अबाउ बुक वैल्यू। तो शेयर का जो प्राइस है रिलायंस कम्युनिकेशन का जो कि 1.70 पैसे के आसपास अभी चल रहा है, रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर जो इसका बुक वैल्यू है उससे ज़्यादा है दोस्तों। प्रोमोटर का पास अभी ज़्यादा कुछ स्टेक्स वगैरह नहीं है, प्रोमोटर्स के पास लगभग 1% का स्टेक है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो जो मतलब टेक्निकली देखते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर ओपनिंग एट हाई प्राइस, रिलायंस कम्युनिकेशन शेयर हाई प्राइस में ओपन हुआ था। स्टॉक जो है अंडर परफॉर्मिंग है निफ्टी फिफ्टी ओवर डे का एंड न्यू वीक का इसने एक हाई प्राइस बनाया रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर ने। स्टॉक जो है आउट परफॉर्मिंग है निफ्टी 50 ओवर वीक का, न्यू मंथ का हाई प्राइस बनाया रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर ने दोस्तों। एंड बात करते हैं यहाँ पे जो रिलायंस कम्युनिकेशन का मतलब स्टॉक जो है यहाँ पे देख सकते हैं आउट परफॉर्मिंग है निफ्टी 50 ओवर मंथ का एंड स्टॉक जो है यहाँ पे मतलब बोल सकते हैं आउट परफॉर्मिंग है निफ्टी 50 ओवर ईयर का। हाईएस्ट फॉल है मतलब शेयर का प्राइस जो है 52 का जो हाई प्राइस था रिलायंस कम्युनिकेशन का जो कि 2.5 रुपये के आसपास था उससे बहुत ही ज़बरदस्त नीचे जो है शेयर का प्राइस अभी चल रहा है रिलायंस कम्युनिकेशन का 1.70 पैसे के आसपास जो है शेयर अभी चल रहा है रिलायंस कम्युनिकेशन का। हाईएस्ट जो इसका शेयर का मतलब 52 का जो लो प्राइस है उससे थोड़ा बहुत शेयर तेजी बना है रिलायंस कम्युनिकेशन का दोस्तों। अभी रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर में अगर देखेंगे तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हो सकता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर में थोड़ा बहुत ज़्यादा प्राइस में खरीदारी करके रखा है दोस्तों। तो रिलायंस कम्युनिकेशन का अभी देखते हैं तो मतलब अभी क्या करना चाहिए रिलायंस कम्युनिकेशन में, तो फिर रखिए रिलायंस कम्युनिकेशन का अगर देखते तो हो सकता है कि दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन का जो शेयर है आगे चल के एक अच्छा खासा रिटर्न दे। फिलहाल हमें नहीं लगता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन के पे जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है या फिर बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस वगैरह रखना चाहिए। देखिए एक दिन का जो रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर 1.75 पैसा का हाई प्राइस दिया है, अपर सर्किट फिलहाल रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर में लगता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसका शेयर जो है रिलायंस कम्युनिकेशन शेयर थोड़ा अपर प्राइस में जो है ज़्यादा प्राइस में ओपन हुआ था। अभी यहाँ पे देखेंगे तो जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है, प्रीवियस डे का क्लोज प्राइस जो है रिलायंस कम्युनिकेशन का जो कि 1.70 पैसा है उसी के आसपास रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर चल रहा है। फाइनेंशियल अगर देखेंगे तो फंडामेंटली जो है रिलायंस कम्युनिकेशन का जो है फंडामेंटली देखेंगे तो रिलायंस कम्युनिकेशन जो कंपनी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और यहाँ पर टेक्निकली भी अगर देखेंगे तो एक न्यूट्रल लेवल बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर में हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस वगैरह रखना चाहिए दोस्तों। आपको कैसा लगता है रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते या बेचते हैं खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए, हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल SMKG को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।